हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि माता सीता को क्यों अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था, किस कारण से अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा था, माता सीता को वनवास क्यों मिला, माता सीता के वनवास जाने के पीछे लोग अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन अगर माता पिता को दुख मिला तो इसका कारण क्या था, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या माता सीता को प्रभु श्री राम ने वनवास जाने के लिए कहा था, क्या उन्होंने छोड़ा था, या फिर यह किसी श्राप के कारण हुआ था? मित्रों, लोग यह बात तो जानते ही हैं कि माता सीता को वनवास क्यों हुआ था, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सीता को वनवास क्यों मिला था। दोस्तों, कर्मों का दंड तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, यह तो आपने सुना ही होगा, लेकिन बहुत से लोग इसे सुनकर से भी बातें समझते नहीं हैं। ये तो सिर्फ बातें हैं जो लोग द्वारा की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। आज आपको यह बात क्लियर हो जाएगी जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। गलत कभी ना करें, किसी के भी साथ गलत कर्म करने से बचें, क्योंकि इसकी सज़ा कभी भी मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या था वो कारण जिसकी वजह से माता सीता को गर्भ अवस्था की हालत में वनवास के दुख उठाने पड़े थे। माता सीता साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार थी। माता सीता का जन्म मिथिला में हुआ था। वह मिथिला देश का राजा जनक की पुत्री थी। जब माता सीता छोटी थी तब एक बार वह अपने बगीचे में खेल रही थी। उनके बगीचे में तरह तरह के फूल, तरह तरह के पौधे, तरह तरह के वृक्ष थे। एक वृक्ष पर एक मैना और तोता का जोड़ा रहता था। माता सीता को वह मैना बहुत ही अच्छी लगी। माता सीता इसके साथ खेलने लगी और उसे अपने महल में लेकर आ गई। महल में आने के बाद उन्होंने उस मैना को एक पिंजरे में रखवा दिया, जिसमें नौ माता सीता से कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ और गर्भ अवस्था की हालात में मुझे अपने पति के पास रहने दो, मुझे और कहीं नहीं जाना। इस हालत में मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन माता सीता ने उसकी एक नहीं सुनी, उन्होंने उसे पिंजरे में ही रखा। कुछ समय बाद तड़प तड़प कर मैना की जान चली गई। जब ये बात तोते को पता चली तो उसने माता सीता को श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मेरी मैना का जान लिया है, जिस तरह से तुम्हारे कारण वो गर्भ अवस्था की स्थिति में मुझसे दूर रहें और तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग दिए, उसी तरह तुम्हें भी गर्भ अवस्था के दौरान अपने पति से दूर रहना पड़ेगा और कष्ट सहना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कर्म का दंड ऐसा ही है जिसे कोई नहीं बच सकता। अगर भगवान ने भी कोई ऐसा कर्म किए जो अनुचित था तो उसका दंड उनको भी भुगतना पड़ता है। तो हम इंसान क्या चीज़ है, इसलिए किसी भी गलत कर्म को करने से पहले हजार बार सोचिए कि उस काम को करने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। भले ही किसी कर्म को करने से आपसे बहुत फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन अगर उसी काम से किसी और को नुकसान हो रहा हो तो वह काम आप ना करें, क्योंकि यही विधि का विधान है, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। यह बात अलग है कि देर लग सकती है, लेकिन आप अपने द्वारा किए गए कर्म से बच नहीं सकते। रावण की मृत्यु के बाद जब सीता और राम, लक्ष्मण और माता सीता सहित अयोध्या लौटे तो अयोध्या में धूमधाम से खुशी मनाई गई और श्री राम और माता सीता का राज्य अभिषेक किया गया। ये अभिषेक करने के बाद 11,000 साल तक माता सीता और प्रभु श्री राम ने अयोध्या पर राज्य किया। अयोध्या जैसी सुखी प्रजा पूरी दुनिया में नहीं थी और ना ही आज तक हुई। प्रभु श्री राम उनका लालन पालन अपने बच्चों की तरह करते थे। श्री राम कभी नहीं चाहते थे कि उनकी प्रजा के मत के विरुद्ध कोई कार्य है। अपने हर फैसले में अपनी प्रजा का साथ चाहते थे। ऐसा कोई फैसला नहीं करते थे जिससे उनकी प्रजा ना खुश हो। प्रभु श्री राम एक मर्यादा पुरुष, उत्तम मर्दित राजा, मर्दित भाई और दुनिया की हर प्रकार की मर्यादा से परिपूर्ण थे। एक समय की बात है, एक महिला किसी कार्य वस्तु दूसरे गांव में गई थी। जब उस गांव से लौट रही थी तो रास्ते में अंधेरा हो गया और बारिश का मौसम था, तो केवट में नाव चलाने से मना कर दिया। तो वह महिला केवट के
घर पर ही रुक गई और वहीं पर रात बिताई। सुबह होने पर जब वो अपने घर पहुंची तो उसके पति ने उसे सवाल किया कि तुम रात भर कहाँ थी। तो उन्होंने बताया कि मैं वर्ड के घर पर रुक गई थी क्योंकि रात में बारिश हो रही थी और कैवेट में नाव चलाने से मना कर दिया था, परंतु उसका पति नहीं माना और उसने उसे दोषी समझा। केवट के घर जानबूझकर तू रुकी है, तुम्हारा और केवट का संबंध सही नहीं है। इस बात पर वो महिला न्याय मांगने प्रभु श्री राम के महल पहुंची और सारी बात बताई। इसी बात के कारण लोगों ने बातों बातों में माता सीता को भी कहना शुरू कर दिया कि माता सीता भी तो रावण के घर इतने दिन रहकर आई थी, तब तो श्री राम जी ने कोई प्रश्न नहीं किया। तू जहाँ का राजा ही इस बारे में कोई प्रश्न नहीं करता तो वहाँ की प्रजा की महिलाएं भी इसी की आड़ में गलत कार्य कर रही है। जब इस तरह की अफवाहें प्रजा द्वारा फैली गई तो भगवान श्री राम ने वेश बदलकर प्रजा के बीच में जाकर उन्होंने खुद लोगों द्वारा कही गई अफवाहों के बारे में सुना और यह सुनकर प्रभु श्री राम बिल्कुल हताश हो गए। ये मेरी की प्रजा है जो मेरी पत्नी पर कलंक लगा रही है। दरअसल प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास जाने के लिए नहीं कहा था। वो तो माता सीता ने जब देखा कि मेरे कारण मेरे प्रभु को लोग गलत कह रहे हैं, तुमने खुद ही वन जाने का फैसला किया और भवन को चली गई। वन में जाकर वो वाल्मीकि जी के आश्रम में रुकी थी। वाल्मीकि जी वहीं जिन्होंने पूरी रामायण पहले ही लिख दी थी। वाल्मीकि जी के आश्रम जाने से पहले ही माता सीता गर्भवती हो चुकी थी, परंतु इससे पहले कि वो प्रभु श्री राम को यह खुशखबरी बताती, प्रजा में अफवाह फैलने के कारण वे वन को चली गई। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। लव कुश को जन्म देने के बाद उन्होंने स्वावलंबी बनाने की शिक्षा तथा वाल्मीकि जी ने उन्हें अस्त्र और शास्त्र का ज्ञान कराया और साथ में रामायण भी पढ़ाई। वाल्मीकि जी ने रामायण को संगीतबद्ध किया था और यह संगीत उन्होंने लव और कुश को सिखाया था। लव और कुश अयोध्या नगरी जाकर उन्होंने यह संगीत इस तरह से गाकर लोगों को सुनाए कि लोगों को पछतावा हुआ कि उन्होंने माता सीता पर कलंक क्यों लगाया। और अंततः माता सीता और अयोध्या आई और वहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि मैं निर्दोष हूँ, अगर मेरे दामन पर कोई गलत नहीं है तो हे धरती माँ, आप मुझे अपनी गोद में ले लो। उसी समय धरती फट गई और माता सीता धरती में समा गई। इस तरह से प्रजा को यह विश्वास दिलाया गया कि माता सीता बिल्कुल पवित्र थी। दोस्तों, लेकिन जो कुछ भी हुआ, वनवास जाने के पीछे का कारण माता सीता के द्वारा किया गया कर्म ही था। माता सीता के कारण ही वह मैना गर्भ अवस्था में अपने पति से दूर रही और तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए। इसी कर्म का दंड माता सीता को मिला, वो भी जब गर्भवती हुई तो उन्होंने अपने पति से दूर वन में रहना पड़ा और वन के दुख को भोगना पड़ा। मित्रों, जो भी पुराण है, चाहे वो रामायण हो या फिर श्रीमद् भगवत गीता कथा हो, यह हमें जीवन जीने का सार बताते हैं। ये हमें बता दें कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, किस तरह के कर्म हमें करने चाहिए और किस तरह के नहीं करने चाहिए। ये पुरानी हमें बताते हैं कि गलत कर्म करने की सजा गलत ही होती है, इसलिए आपको कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए। आप वही करें जो दूसरे के लिए भी भला हो और आपके लिए भी ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जिससे किसी और व्यक्ति को नुकसान है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारे द्वारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की और भी वीडियो हम बनाते हैं। तो आजकल हमारे युवा पीढ़ी को, क्योंकि युवा पीढ़ी हमारे समझती ही नहीं है इनमें कितने गुण रहस्य छुपे हुए हैं, कौन से कर्म हमें नहीं करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती है। और किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यह वीडियो शुरू किया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के युवा भी इस तरह के वीडियो और हमारे पुराणों से वाकिफ़ हों, क्योंकि हमारे पुराणों में वह भी सभी चीज़ें लिखी है जो शायद किसी कहीं भी नहीं लिखी गई है चीज़। हमारे वेद पुराण हर चीज़ पर खड़ा उतरते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।
ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।